नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर का आज दौरा है। बता दें 9:55 पर वो कृषि उत्पादन समिति डुमरियागंज पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट करेंगे और राहत सामग्री का वितरण करेंगे। उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करते हुए 11 वो नौगढ़ तहसील पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ राहत केंद्र में बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट करेंगे और बाढ़ राहत किट का वितरण भी करेंगे। ऐसे में बता दें मीडिया से भी उसके बाद वो संवाद करेंगे और ऐसे में संभावित दौरा जो है किसान इंटर कॉलेज में प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम उनके लिए कर लिए गए हैं और 12:05 पर सिद्धार्थनगर से वो प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में बता दें लगातार यूपी में जो है बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हुए हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने अब कमान संभाल ली है और इसीलिए अब अलग अलग राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं। आज बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जाएंगे, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और लोगों को से भेंट करेंगे और राहत सामग्री जो है वो भी वितरण किया जाएगा। हालांकि इस हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद वो वापस जो है सिद्धार्थनगर से निकल जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे की पहली किसान ट्रेन 6 सितंबर से चलने वाली है। जी हां, आगरा यमुना ब्रिज से होकर असम तक सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने यह जानकारी दी है और ऐसे में कहा है कि किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक ट्रेन होने वाली है, जिससे किसान अपनी सब्जियों को बाकी अन्य शहरों और जिलों में भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में रेलवे ने किसानों को देखते हुए किसान ट्रेन पर 50% सब्सिडी की भी छूट रखी गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत रेलवे की तरफ से मिल सकेगी। साथ ही बता दें अब आपको कि अब किसानों को जो है ये आगरा से रेल मंडल में पहली किसान रेल शुरू होने वाली है, जिससे किसानों को ये बड़ी राहत मिलने वाली है और दूसरे राज्यों में अब जो है किसान अपनी सब्जियां बेच सकेंगे और इसीलिए ये ट्रेन जो है चालू की जा रही है। 6 सितंबर से ये ट्रेन चालू होगी और ऐसे में 50% सब्सिडी भी कम कर दी गई है। किसान ट्रेन चलाने का प्रस्ताव था तो वो 6 सितंबर से आरंभ हो गई है और हर सप्ताह में वो ट्रेन है। तो कहाँ से चलेगी ये ट्रेन? चल रही है अभी जो जमुना ब्रिज स्टेशन है आगरा डिवीजन का, वहाँ से जमुना ब्रिज से ये आरंभ होगी और जा रही है चांगसेरी, जो कि असम में पड़ता है, वहाँ तक जा रही है। ये किसानों के लिए है। इसमें जो भी किसानों की सब्जियाँ या इस तरह के उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, वो उसमें भेज सकते हैं और इसमें किसानों को सब्सिडी भी मिलती है, उसके जरिए किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। किसानों के लिए चलाई गई है ये? किसानों के लिए चलाई गई है और किसानों को इस पर सब्सिडी भी मिलती है, 50% की सब्सिडी है। आगरा कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए शासन और प्रशासन अब हर वार्डों में जाकर उन लोगों को उत्तराखंड में सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जो लोग दूर दराज से अस्पताल और बनाए गए स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। बता दें इसी क्रम में रामलीला 7 श्रेय का डांडा में कोविड प्रभारी डॉक्टर कमला जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने यहां पर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज स्थानीय लोगों को लगाई। इस दौरान लोगों से कहा गया कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी कोविड वैक्सीन लगवाने से वंचित न रह जाए। यहां बता दें दर्जनों लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए कोविड वैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाई और इसी दौरान कई लोगों ने शासन प्रशासन और मेडिकल विभाग की प्रशंसा भी की। साथ ही बुजुर्ग और जो अस्पताल जाने में असमर्थ थे, उन सभी लोगों ने इन विभागों का धन्यवाद किया। ऐसे में कोविड प्रभारी कमल जोशी ने बताया कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो बता दें लगातार कोरोना की वैक्सीन जो है वो लोगों को दिए जाने की पहल की जा रही है। ऐसे में अब जो लोग कोविड सेंटर्स पर नहीं पहुंच सकते हैं और जो लोग नहीं आ पा रहे, दूर दराज में रहते हैं इलाकों में, उन लोगों के लिए जो है ये सुविधा की गई है और उन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। जिनको पहली डोज लगनी थी उनको पहली डोज लगवाई गई और जिनको दूसरी लगवानी थी उन्होंने दूसरी डोज लगवाई। ऐसे में ये लोगों को बड़ी राहत ज़रूर मिली है, जिससे खुश होकर सभी लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का जो है वो धन्यवाद भी किया।
तो बता दें कोविड की लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जो लोग वंचित रह जाते हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया, लोगों को बताया भी गया कि अब जो है सरकार का प्रयास है कि कोई भी वैक्सीन से वंचित न रह जाए और जल्द से जल्द हर सभी को वैक्सीन की डोज लग जाए दोनों, इसीलिए लोगों को जागरूक भी किया गया, जिससे खुश होकर लोगों ने वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद भी किया। और साथ ही लोगों को जागरूक करने के साथ ही बता दें जो लोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचने में असमर्थ हैं और जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये कैंप लगाया गया था, ये वैक्सीनेशन उनके लिए किया गया था ताकि कोई भी वंचित वैक्सीन से ना रह जाए। टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले परवीन कुमार के माता पिता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवीण कुमार के माता पिता को बधाई दी और पिता अमरपाल और माता निर्दोष से मोबाइल पर बातचीत कर देश और जेवर का नाम रोशन करने वाले सुपुत्र के लिए उन्होंने बधाई दी। बता दें जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने घर पहुंचकर माता पिता की मुख्यमंत्री से बातचीत कराई और ऐसे में ग्रेटर नोएडा के जेवर के गोविंदगढ़ के रहने वाले प्रवीण कुमार हैं। साथ ही बता दें भारत के एथलीट प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की T64 स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीत लिया है। इसी के मुकाबले में नोएडा के रहने वाले प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने 2.10 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐसे में बता दें जबकि पोलैंड के लिपियाचो मिसियाजो ने 2.04 मीटर की जंप के साथ कांस्य पदक जीता। हालांकि प्रवीण इस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। एक समय प्रवीण गोल्ड मेडल जीतने की रेस में बने हुए थे लेकिन ब्रिटेन के ब्रूम ने उन्हें पीछे कर दिया, जिसके बाद भारतीय एथलीट को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। तो ऐसे में बता दें प्रवीण ने सिल्वर मेडल जीत लिया है हाई जंप में, जिसके बाद उनके माता पिता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बातचीत की है। टोक्यो में हो रहे जो पैरा ओलंपिक हैं उसमें लगातार खिलाड़ी जो हैं भारत के वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में प्रवीण कुमार ने ये शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि हर किसी को प्रवीण कुमार से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिल्वर मेडल देश को जिताया है और ऐसे में अपने देश के साथ साथ जेवर और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद फोन पर बातचीत उनके माता पिता से की और उनको बधाई भी दी है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां, वसीम खान जो पहले से ही पार्टी के अंदर सक्रिय थे उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही बताते हैं वो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वसीम खान लगातार लोगों की मदद कैंप लगाकर मदद करते रहे हैं और लोगों की समस्याओं को देखते हैं। इसके अलावा वसीम खान भारतीय जनता पार्टी में पुराने सिपाही हैं जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव की तैयारी में सभी लोग जुट चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुंवर बासित अली प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ने तहसील सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत तरीके से फील्ड में उतार दिया है और नगर कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वर्तमान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष वसीम खान को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद उन्हें दे रहे थे, साथ ही गुलाब के हार डालकर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। ये अल्पसंख्यक का मुझे ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है, मैं सबसे पहले तो अपने बड़े जो हमारे सीनियर नेता हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुकाम पे मुझे आज पहुंचाया है और मैं यही चाहता हूं कि मैं अल्पसंख्यकों में जाने के बाद अपनी पार्टी का प्रचार करूंगा और पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो उनको बताई जाएंगी। जो अल्पसंख्यक आज लोग कहते हैं कि दूर हैं तो वो उस चीज़ों को जो भेदभाव है वो चीज़ ख़त्म करना पड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको तोहफा दिया है, कहीं चुनाव नज़दीक होने की वजह से तो नहीं दिया कि आप मेहनत करोगे, फील्ड में उतरोगे? जब से सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 महीने चुनाव करे गए और चुनाव नज़दीक है, इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूँ, क्योंकि हमारे 5ों विधानसभा सीटें यहाँ से निकालना है और अल्पसंख्यक यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी दी गई है। तो अल्पसंख्यकों में जाने के बाद पार्टी का प्रचार करना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कर रहे हैं, ऐसी योजनाएँ अल्पसंख्यकों के लिए निकाल रखी हैं। कोरोना महामारी के बीच चुनावों का आयोजन एक बड़ी मुश्किल का काम है। इसे लेकर अब चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एहतियात बरता जा रहा है। जी हां, आयोग ने जिन 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनसे महामारी को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया के आयोजन को लेकर विस्तार से जवाब मांगा था, जिसके बाद कम से कम 6 राज्यों की ओर से चुनाव आयोग को लिखित में कोरोना काल में चुनाव प्रक्रिया के समय और तरीके के बारे में अपना जवाब भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि आयोग को शुक्रवार शाम तक कम से कम 6 राज्यों से प्रतिक्रिया मिली और बाकी के राज्यों से अनुरोध शनिवार तक आने की उम्मीद है। ऐसे में सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि कोरोना महामारी के प्रसार से बचने के लिए लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और उपचुनावों के समय पर अब तक की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही है। ऐसे में बुधवार को चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने राज्य सरकारों से कहा था कि वो चुनाव के समय और तरीके पर अपनी प्रतिक्रिया लिखित में भेजें। चुनाव आयोग ने राज्यों से कोरोना महामारी, बाढ़, कानून व्यवस्था की स्थिति और आने वाले त्योहारों की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में कल की तरह ही शनिवार सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ ही हुई। जी हां, मौसम विभाग ने आज के लिए भी दिल्ली समेत कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी और आज के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट और रविवार के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में विभाग के अनुसार सोहना, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर, एटा में भी बारिश हो सकती है। इस बीच ओडिशा से भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर ने बताया कि 6 सितंबर के बाद उत्तर पश्चिम और इसके आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके प्रभाव में ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में 6 और 7 सितंबर को बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर, उत्तराखंड में 7 सितंबर, हरियाणा में भी 7 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। वहीं IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर के बाद भी बारिश जारी रहेगी। अब तक यहां मौसम विभाग की ओर से कोई येलो अलर्ट या फिर कोई और अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब आने वाले दिनों में यूपी की शुरुआत जो है करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। इसके लिए महापंचायत में देश भर में के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे। बाकी अन्य कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारी, सामाजिक महिला आदि संगठन शामिल होंगे। ऐसे में किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग करेंगे। महापंचायत में आने के लिए अभी तक 22 राज्यों के जनप्रतिनिधियों से सहमति मिल चुकी है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में होने वाली इस महापंचायत पर सरकार से लेकर विपक्षी दलों तक की नजर है। मोर्चा के सदस्यों को लगता है कि इस महापंचायत से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। इसमें यूपी के बाद सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान से किसान शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल वहां के किसान नेताओं ने पूरी व्यवस्था कर दी है और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के नेताओं ने अपने साथ हजारों की संख्या में किसानों को लेकर आने का लक्ष्य तय किया है। वहीं यूपी के बाहर से आने वाले किसान संगठनों के नेता और किसान 4 सितंबर की शाम यानी कि आज ही मुजफ्फरनगर शाम तक पहुंच जाएंगे, जिससे उनको महापंचायत के दिन की
किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। ऐसे में दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद टूटते किसान आंदोलन को संजीवनी देने में हरियाणा की खापों का अहम योगदान रहा था और उसके बाद सिंगू और टिकरी बॉर्डर के धरनों पर भी खापों ने ही कमान संभाली हुई है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत में हरियाणा की अधिकतर खाप शामिल होंगी, जिनमें आंतिल खाप, दहिया खाप, मलिक खाप, सरोहा खाप, समेन खाप, कंडेला खाप, हुड्डा खाप और जालान खाप भी शामिल है। इन सभी के जनप्रतिनिधि और अन्य सदस्य भी महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड की सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, जिसके तहत बता दें सियासी रैलियों का आगाज शुरू हो चुका है, जिसके तहत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रखी हैं और इसी के तहत श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा रैली निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में परिवर्तन यात्रा के तहत शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत की गई। इस बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। आप लोग भी देखेंगे कि परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में उधम सिंह नगर और हल्द्वानी की तराई वाले क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता आम लोगों की मदद से, आम मतदाताओं की मदद से वहाँ पर जो तैयारियाँ कर रहे हैं उसका आगाज मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिवर्तन यात्रा के में जो प्रतिसाद हमें मिलने जा रहा है वो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। रैली, जन आशीर्वाद रैली श्रीनगर में होने जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पौड़ी जिले और टिहरी जिले और रुद्रप्रयाग जिले के विधायकगण उसमें रहेंगे और लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित होंगे, जनता वहाँ पर उपस्थित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये जीवीके हेलीपैड पर उतरेंगे और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक बाइक रैली के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए हम उनको रामला ग्राउंड तक ले जाएंगे और वहाँ पर उस रैली का आयोजन होगा। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर अब रानी पोखरी में वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार हो जाएगा। वहीं इस वैकल्पिक पुल का निर्माण अब तेजी से किया जा रहा है। इस पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने इस पुल को लेकर कहा कि ऋषिकेश मार्ग पर वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार कर लिया जाएगा और इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले भारी बारिश के चलते देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर स्थित रानी पोखरी पुल धराशायी हो गया था, जिसके बाद ऋषिकेश देहरादून मार्ग प्रभावित हो गया था। हालांकि अभी ऋषिकेश जाने के लिए 3 वैकल्पिक मार्ग खुले हैं। इन रूटों से देहरादून से यात्राएं ऋषिकेश के लिए जा रही है लेकिन दूरी बढ़ गई है, जिसके बाद वैकल्पिक पुल के निर्माण हो जाने से इन समस्याओं से लोगों को निजात मिल सकेगी। हालांकि स्थायी तौर पर पुल निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और जल्द से जल्द स्थायी पुल के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। किस तरह से हम जल्दी से जल्दी यातायात के लिए हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि रानी पोखरी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी विजिट किया गया, आप पूरी की पूरी वहां पुल ये हो गई है, आवागमन बाधित हो गया है। अभी देहरादून से ऋषिकेश का क्या मार्ग भी लंबा हो गया है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि हर हाल में हम 4 से 5 दिनों के अंदर हम उसको एक वैकल्पिक कॉजवे बना के उसको हम यातायात को व्यवस्थित करेंगे और दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कम समय में नवनिर्मित पुल तैयार हो सके, ताकि अगली बारिश से हर हाल में पहले वहां पर प्रॉपर एक पुल की स्थापना हो जाए और ताकि लोगों को किसी तरह से यातायात की असुविधा न हो। नैनीताल में जहां कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु नैनीताल के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के दौरान मां नंदा देवी के दर्शन नहीं कर पाते थे, वहीं अब 2 साल बाद श्रद्धालु नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव के दौरान माता नंदा सुनंदा का
प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पर प्रशासन ने एक नई पहल शुरू कर दी है, जिसे श्रद्धालु बड़ी स्क्रीन पर ही महोत्सव का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। डीएम धीरज गर्बयाल की तरफ से महोत्सव के आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा और नंदा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाली अमर उदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तरफ से हुई बैठक में ये तय हुआ है कि महोत्सव कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा, लेकिन सभी धार्मिक कार्यक्रम परंपरा और रीति रिवाज के साथ आयोजित किए जाएंगे। नंदा देवी महोत्सव नैनीताल में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और आज सम्मानित जिलाधिकारी नैनीताल श्री धीरज गर्बयाल जी ने राम सेवक सभा के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी श्रद्धालु जो मां नंदा सुनंदा के दर्शन करना चाहेंगे उनको सभी को कोविड नियमानुसार दर्शन कराए जाएंगे और साथ ही जो सभी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो पूरी रीति रिवाज से संपन्न होंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन 11 तारीख को होगा और ये सब बाकी के जो अन्य कार्यक्रम हैं वो सांकेतिक रूप से और पूर्ण धार्मिकता के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही छोलिया नृत्य दल को भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जाएंगे जिससे लोग सीधे प्रसारण के माध्यम से और इन बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल में एयर फिल्टर के लिए सामाजिक संस्था स्पर्श गंगा ने एयर प्योरीफायर लगाया है, इससे अस्पताल के अंदर काफी हद तक हवा के शुद्ध होने की उम्मीद है। बता दें कि स्पर्श गंगा टीम की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल निशंक ने कई राज्यों में अब तक 500 से ज्यादा एयर प्योरीफायर लगा दिए हैं, जबकि संस्था का ये लक्ष्य 1000 प्योरीफायर लगाने का है और संस्था की ऋषिकेश संयोजिका सरोज टिमरी के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल के अंदर एयर प्योरीफायर लगाने की ये पहल की गई है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने एयर प्योरीफायर लगाए जाने पर संस्था का आभार भी जताया है। उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। जी हां, इसके लिए जल संसाधन द्वारा महिला निगरानी समितियों को वाटर टेस्टिंग किट प्रदान कर दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जल संसाधन द्वारा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विषय में डेमो भी दिया गया और इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल और जल उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीणों को शुद्ध जल मुहैया हो सके, इसके लिए हर गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव के स्थलीय निरीक्षण के दौरान गांव में पेयजल लाइन और जल स्रोत से प्राप्त पानी की गुणवत्ता की जांच करें ताकि गांव में पानी की गुणवत्ता का पता चल सके। वहीं इस दौरान अधिशासी अभियंता जल संसाधन बलदेव सिंह डोगरा, लैब टेक्नीशियन शांति और शंकर राय मौजूद रहे। बाराबंकी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से टिकैत नगर कस्बे में व्यापारी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा पहुंचे, साथ ही टिकैत नगर कस्बे के चेयरमैन जगदीश गुप्ता और टिकैत नगर कोतवाल शशिकांत यादव सहित व्यापारी गण मौजूद रहे। इस अवसर पर कोतवाल शशिकांत यादव ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोतवाली पुलिस उनके साथ है और साथ हमेशा रहेगी। किसी भी समस्या को लेकर व्यापारी मेरे पास आ सकते हैं, मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी के दिशा निर्देश पर प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और जिला लेवल पर और टाउन एरिया नगर पंचायत टिकैत नगर में भी आज व्यापारी दिवस का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक सतीश शर्मा, टिकैत नगर चेयरमैन जगदीश प्रसाद गुप्ता जी मौके पर आए हुए थे। हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय विधायक को पेट्रोल, गैस, डीजल इन सब चीज़ों के लिए अवगत कराया, जीएसटी के दायरे में लाया जाए और हमारे विधायक जी ने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की। किसी भी समस्या का निदान आप लोगों के द्वारा हमको अवगत कराया जाएगा तो हम सभी व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।